सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो भाई बहुत मज़ेदार होने वाले, क्यों? क्योंकि भाई अपने सामने हैं एक्सट्रीम 125 स्प्रिंट EBD। भाई आप बोल रहे थे कि इसकी वीडियो लेके आओ। वीडियो आ गई क्या? बाइक आ गई, और भाई बाइक आई विद मेरा फेवरेट कलर भाई, ब्लैक कलर। ठीक है भाई, दिखने में भाई इतनी बल्कि लग रही है ना। तो आज इस वीडियो का भाई डिटेल भाई से बात करेंगे, अमन भाई से। क्या चल भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। तो अमन भाई की बाइक है, कब से ऑन कर रहे हो भाई बाइक? एक हफ्ता हो गया भाई। एक हफ्ता ही हुआ है? एक हफ्ते में कितनी चला ली? 550 भाई, 600 होने वाली है। 600 होने वाली है भाई। 597 किलोमीटर ऑलरेडी बाइक चल चुकी है। ठीक है, जस्ट अभी रिसेंट का मॉडल है, और ये टॉप मॉडल है भाई। इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, आपको पता ही होगा, एक टॉप मॉडल, एक होता है बेस। बेस के अंदर आपका ड्रम ब्रेक आता है, आपका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाला है ना। ये टॉप है, इसके अंदर सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है। पीछे आपको ड्रम मिलेगा, आपको आगे मिलेगा डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ। ठीक है, ये जो इंजन होने वाला है ना भाई, हीरो ने भाई स्प्रिंट EBD करके निकाला है। इंजन का नाम है स्प्रिंट, मतलब आपको पता होता है ना, 500 मीटर की स्प्रिंट मारते हैं। तो इस बाइक के अंदर ना टॉर्क ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, वाई एक्सट्रीम 125 भाई, बहुत सारे आपको मिले होंगे। 125 में एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लुक सबसे खतरनाक है इसके। लुक्स भाई एक नंबर है। और मतलब टायर प्रोफाइल वगैरह भी अच्छी है इसकी बाकी बाइक से। टायर आपको बता दूं तो उसका पीछे का भाई आपको मिलता है 120 सेक्शन का टायर, रेडियल नहीं मिलेगा आपको, नॉन रेडियल टायर मिलता है। एंड आपका 90x90 17 इंच के टायर आपको आगे का मिलेगा। और भाई सीट कुशिंग भी एक नंबर है। बाकी और चीज़ भाई, बाकी यार अच्छा मैं उसे भर दो के, मतलब जिसको लेनी होगी ना, प्लान कर रहे होंगे 125 वाले। नहीं यार देखो, बाइक लेने में तो बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं है। और सबसे बढ़िया रोड प्रेजेंस इसकी। रोड प्रेजेंस इसकी बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैंने तो इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली, क्योंकि मैंने इसकी लॉन्च इवेंट के बाद मैंने वीडियोज वगैरह देखी, मैंने मन बना दिया। मैंने N160 ड्रॉप करके ये ली है भाई। इसके लुक ऐसे हैं, लगता होगा कि इसका मैं 125 हटा दूँ ना। कहाँ लिखा है 125? लिखा हुआ है कहीं? हाँ वहाँ साड़ी पे लिखा हुआ है। तो उसको हटा दो ना तो लगेगा नहीं 125 है भाई। हाँ। भाई इतनी बोल्ड लुक लगेगी आपको, टैंक की देखो। और वहीं पे इसका कलर वगैरह, इसका अलग कलर ब्लैक वो कर दो, ब्लैक से ग्रीन कर दो। हाँ। तो 900 हो गई है। अब मैं आगे से दिखाता हूँ ना भाई, यार तुम आगे से देखो भाई, आगे से तुम कहाँ लग रही है 125 सीसी की बाइक है। ये देखो, डिपर मार के दिखा देता हूँ आपको। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिए यार, फीचर्स दे दिए, हैजार्ड का ऑप्शन दे दिया भाई। मेरी वाली में नहीं है हैजार्ड तो यार। ये देखो, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। बाकी और ऐसी क्या अच्छाई दिखाई दी इसके अंदर जो ले ली? और यार अभी तो यार एक हफ्ता ही हुआ है, तो चलने में स्मूथ है। एक तो अभी तब अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं अभी कि क्या ऐसा है कुछ। इससे पहले कौन सी बाइक ऑन कर रहे थे? शाइन 125 है वो भी। हाँ, तो पिकअप में कैसा डिफरेंस लगा? नहीं, पिकअप में डिफरेंस है शाइन का भाई। वो मेरे होंडा लीवो है ना, होंडा लीवो और शाइन, मतलब पिकअप है उनके, पिकअप है उसमें, लेकिन थोड़ा कांपती थी 70 के बाद, कांपती नहीं है कम से कम। रिफाइंड इंजन है। हाँ, रिफाइंड इंजन है, कांपती नहीं है बिल्कुल भी। 80-85 आराम से चलाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी माइलेज वगैरह क्या देती है? क्योंकि भाई माइलेज तो यार मेरे को अभी 600 किलोमीटर में से 60 की माइलेज दे दी है। 60 की? हाँ अभी तक दी है, लेकिन मेरा चलना पूरा हाईवे है भाई। 125 सीसी 90-100 चली जाती है। हाँ आराम से। ठीक है, 60 की माइलेज दे रही है, और क्या लोगे भाई? इसका प्राइस बताऊंगा आपको एंड में। प्राइस भी मतलब बहुत सारी बाइक है, तो ये नहीं कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। इवन राइडर महंगी है इससे। राइडर। उसके लुक भी थोड़े ऐसे हैं, लेकिन अब उसके सामने ये खड़ी कर दो ना भाई, तो कोई बंदा ही होगा जिसको तरफ जाएगा। हाँ, कोई चूज नहीं करेगा उसको भाई। लेकिन नहीं, नो डाउट इसका प्राइस भी बहुत बढ़िया है। क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा। बाकी और क्या देखा आपने इसके अंदर? मतलब इसको लेने से पहले कोई कोई तो देखा होगा ना कि भाई ये ऑप्शन थे मेरे पास, ऐसा कुछ? यार ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सिर्फ लुक्स के लिए लिया है भाई के, उसके अलावा कोई थोड़ा सेकंड थॉट नहीं था। मैंने ये देख ली, मेरे का यही होगा मन में कि यार यही लेनी है। अब पहले मैं ले रहा था N160, वो भी ले रहा था उसकी आंखों की वजह से। हाँ, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं। लेकिन फिर यार जैसे ये आया कि मैंने कहा 60 थोड़ा कम भी हो जाएगा, थोड़ा बजट भी ठीक रहेगा अपना, और ओके है ये भाई। डेली कम्यूट के लिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट बाइक है। वो देती मेरे को 45 तक की एवरेज, ये मेरे को 60 की दे रही है। 60 भाई पावर मिल रहा है आपको। मैं अगर पावर की बात बताऊँ तो उसके अंदर भाई आपका 11.4 BHP की पावर है, एंड आप 10.4 आपका NM का टॉर्क है। तो भाई मतलब टॉर्क कंपनी ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तभी इसका नाम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंट EBD करके नाम। अब मेरा सबसे बड़ा पॉइंट N16 लेने का ये है कि यार मेरे को वो भी लेके यही चलानी थी रोड पे, वो भी मेरे को 80 तक ही चलानी थी, ये भी 80 तक चल रही है। नहीं मैं बोलूँगा भाई, अगर डेली कम्यूट वाला बंदा है ना, तो हाई सीसी की बाइक ना ही ले। अगर हाँ भाई शौक आपका है तो भाई आप कोई बाइक ले। नहीं, मेरा पर्पस पूरा हो रहा बाइक लेने का। पर्पस पूरा, चलानी कितनी है? 90 कौन चलाता है डेली? नहीं, मेरे दिन की सोच चलती है। अरे नहीं, इससे आप भगा रहे हो बाइक। ना, भगाने वाला सीन नहीं है यार, भगाने आराम से 70 से 80 बस भाई। इसके लिए बेस्ट है आपको एवरेज तो निकालनी है। हाँ। सारा पैसा तेल में थोड़ा, तेल में थोड़ी जाना ये बात ही तो है। बाकी और कुछ ज़्यादा चलाई नहीं है फिर भी,
ये, लेकिन इतनी चलाने में कुछ दिक्कत वगैरह कुछ ऐसी कुछ आई है? दिक्कत यार अभी ऐसा तो नहीं आई, बस वही है थोड़ा इसका क्लच मेरे को बहुत लूज लगता है। क्लच लूज नहीं है भाई, वो क्लच बहुत बढ़िया है, स्लीपर क्लच बोलते हैं इसको, स्लीपर क्लच की भाई फील आती है आपको। ये देखो मैं सिंगल उंगली से इसको दबा रहा हूं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यार इसको ना इतने के बाद चलती आगे भाई। अब मेरी साइन थी, मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा रखा था। अरे वो हाँ वो कराने के ऊपर बात है ना, लेकिन भाई क्लच मैंने जब उसको बोला ठीक करने के लिए, वो कह रहा है यार चेक वो फूक जाएगी, क्लच प्लेट फूक जाएगी, ज्यादा टाइट करोगे तो नहीं नहीं फिर बेस्ट है, इसमें हाथ बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाथ बैठ जाएगा तो फिर तो बात ही नहीं है। बाकी इसके अंदर में पांच गियर आपको इसके अंदर मिलते हैं, सीट की सबसे बेस्ट पार्ट है इसका यार शाइन से, मैं जब पांच गियर है पांच इंजन और स्मूथ हो जाता है ना। हाँ घूम घूम करने से अच्छा गियर लगा लो स्मूथ चलेगी। अब मैं जाम में चल रहा था, 60 की स्पीड चल रहा था, गुड़गांव और जो दिल्ली का जाम है वो फिर जाम रहता है लेकिन चलता हुआ रहता है। तो मैं पांचवे गियर पे लगाता हूँ, अपने 40-45 चलती है वो अपने आराम से, बढ़िया एवरेज दे रही है, एवरेज भी और अच्छी हो जाती है भाई। हाँ सबसे बढ़िया मुझे क्या लगा भाई, स्प्लिट सीट है और भाई इतनी स्मूथ सॉफ्ट है, ये यार इसके हाथ लगाओ यार वो पल्सर है यार, पल्सर पल्सर है यार नहीं थोड़ी टाइट तो है भाई वो तखत, इसके मुकाबले तो बहुत भाई ऐसा लग रहा सोफे बैठे हैं भाई, इतनी स्मूथ है ये देखना ये एक मेरे को भाई मजा ही आ गया सही बताऊं ना। रेडर के अंदर इतनी स्मूथ है, 125 के अंदर कोई स्मूथ नहीं है इतनी, बाकी हीरो यार एवरेज के मामले में तो आगे ही सब सबसे यार सब मेरे को तो बाइक के अंदर सब कुछ आगे भाई आगे ही लग रहा है। लुक इसके अंदर है, माइलेज आपको मिल रही है, इंजन स्पेक्स बढ़िया मिल रहा है, फीचर मिल रहे हैं भाई और क्या ही लोग। सबसे बड़ी तो रेडर की मार्केट खत्म कर दी है इसने, आते ही खत्म कर दी बात तो है, सबसे जबरदस्त भाई इसका लुक। एंड भाई प्राइस मैं आपको बता दूं तो 1 लाख के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास मिल जाती है। अगर आप ऑन रोड लोगे आरटीओ का सब मिला के तो 1,19,000 कैश, 1,19,000 है कैश पे टॉप मॉडल। हाँ हाँ अच्छा 1,19,000 भी ज्यादा नहीं है भाई, सारी बाइक के ऊपर जा रही है। शोरूम यार 99,500 है इसका तो टॉप मॉडल का। हाँ अच्छा 5,000 रुपये बड़ा है और कई लोग रेडर भी इसी के आसपास है। रेडर महंगी है इससे, इससे महंगी है ना। हाँ। लो भाई ऑन रोड महंगी पड़ती है, वो 21 के आसपास पड़ती है। अगर आप प्लान कर रहे हो भाई तो 125 अगर प्लान कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आँख बंद करके भाई इसके टेस्ट ड्राइव ले लो एक बारी। रेडर NS 125 बाकी जितनी भी 125 सेगमेंट की बाइक है ना आपको सबको फेल कर देगी भाई। लुक देखो यार आपको क्या देखना है, एग्जॉस्ट का नोट इवन सब छोड़ो ये भी प्लास्टिक नहीं है। ये क्या है? ये प्लास्टिक नहीं है इसका बिल्कुल भी, मरगार्ड वगैरह जो होता है पीछे का कुछ भी प्लास्टिक मतलब नहीं है, काफी हैवी है ये देखो, लचीलापन तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है पूरा वो है एल्युमिनियम है ये पूरा भाई। मतलब लुक आ रही है इसके अंदर। बाकी और कुछ खराबी कुछ लगी अभी तक का के? हाँ थोड़ा यार भाई जो एक्सट्रीम का अभी तक है कि अभी गियर शिफ्टिंग वगैरह वो तो भाई थोड़े से अभी हार्ड है, हो सकता है नई बाइक है इसलिए हार्ड हो। हाँ अभी वो सर्विस होगी तब ठीक है। बाइक की वाइब्रेशन वगैरह आ रही है कुछ? नहीं अभी तक तो नहीं आई, वो 6,000 RPM के बाद तो आएगी आएगी यार। ये बात तो है भाई 125 cc है भाई, लिमिट में चलाओ लगाओगे। हाँ। तो भाई इसमें क्या कि सब बाइकों में वाइब्रेशन आ जाती है थोड़ी बहुत, तो 6 RPM के बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। 6,000 के बाद ही आती है। हाँ। अगर आपको परचेजिंग का मतलब आपको प्लान कर रहे हो या प्लान करने वाले हो तो भाई आंख बंद करके आप हीरो की तरफ जाओ, एक्सट्रीम 125 का टेस्ट ड्राइव लो, स्प्रिंट DVD आपको इंजन मिलेगा, चलाने में अलग ही मज़ा आएगा, माइलेज इंजन फीचर लुक सब चाहिए आपको तो भाई इस बाइक के अंदर मिलेंगी। बाकी और कुछ वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बताना, इसका शोकर सबसे बढ़िया है, इसके शोकर कैसा स्मूथ काफी। हाँ। डोडो में मजा आ रहा है बहुत सही है। रेडर मैंने रेडर चला रखी है। हाँ। मेरे दोस्त के पास है रेडर, उसके मुकाबले शोकर्स वगैरह बहुत सही है इसके। अच्छा वो गड्ढे में थोड़ी लगती थी कि हाँ यार कहाँ चल रहे हैं, इसमें मेरे को अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। बाकी 13 लीटर का इसके अंदर आपको टैंक मिलेगा तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको लंबे रूट पर ले जाना है तो ले जाओ भाई, माइलेज मिलेगी और 13 लीटर का टैंक मिलेगा तो कोई दिक्कत। एक इसका ना मैं आपको एग्जॉस्ट नोट दिखाता हूँ, ये देखो आइडियल है, आइडियल ये आइडियल पे है। दोस्त नोटी भाई इसका मतलब प्यारा है, स्पोर्टी नहीं बोलूँगा लेकिन भाई काफ़ी स्मूथ है ठीक है। तो अगर आपको परचेज करने का प्लान अगर आप कर रहे हो ना तो आप जाओ भाई इसकी टेस्ट ड्राइव लो। बाकी वीडियो करते हैं भाई एंड, आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल पे आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।